इसमें जलसा जायज है और पदयात्रा नाजायज बता रहे हैं, हिंदुओं को जगाना नाजायज बता रहे हो। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पदयात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। यात्रा की अगुवाई कर रहे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अब हमें रुकना नहीं है और झुकना भी नहीं है, सनातन के लिए डटे रहना है, तभी हमारा सनातन बचा रहेगा। सातवें और आठवें दिन इस यात्रा का समर्थन करने कई सेलिब्रिटी यहाँ पहुंचे, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का खुले मंच से समर्थन किया। आज बागेश्वर धाम से ओरछा धाम राजा राम की नगरी तक चलने वाली सनातन हिंदू पदयात्रा निवाड़ी से ओरछा तिगैला पहुंचेगी। पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं यात्रा में आई महिलाओं ने सनातनी वेश में सिर पर कलश रख कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में नेता, अभिनेता, सांसद, विधायक, मंत्री, खिलाड़ी, गायक, बुंदेली कलाकार व साधु संत बड़ी संख्या में शामिल हो चुके हैं, जिसमें सांसद व भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी भी शामिल हुए। सनातन यात्रा आज निवाड़ी से ओरछा धाम के लिए प्रवेश करेगी और जिसका कल ओरछा में समापन होगा। हम उनको कहेंगे खटरी के भरे, इस देश में जलसा जायज है और पदयात्रा नाजायज बता रहे हैं, हिंदुओं को जगाना नाजायज बता रहे हो। हम जिनसे मिलवा रहे हैं ये बलिया वाले हैं, ये अपने छपरा वाले, इन्होंने अपने भाई की शादी छोड़ दी। कब की है? 24 तारीख को शादी है। हम शादी छोड़ कर चले आए। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।